वेलकम टू अन आर्ट बाय अंजू। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मैगी वड़ा पाव, जो कि बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा और बहुत जल्दी बन भी जाएगा। ये मानसून आजकल चल रहा है और ऐसे मौसम में ये सब चीजें बहुत ही अच्छी लगती हैं। ये देखिए, चलिए बनाना शुरू करते हैं। मैगी बड़ा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस पर एक कढ़ाई को रखेंगे और उसमें एक कप पानी डालेंगे। पानी मैं थोड़ा सा और डाल रही हूँ, आधा कप। और इसमें ये एक मैगी का पैकेट लिया है मैंने, इसको हम बॉयल कर लेंगे। मसाला नहीं डालना है, प्लेन बॉयल करना है। मैगी जब तक बॉयल हो रही है, इतने हम बेसन का घोल बना लेते हैं। इसके लिए मैंने एक कप बेसन लिया है, उसे हम स्वादानुसार नमक डालेंगे। लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला, इसका हम पेस्ट बना लेंगे थोड़ा गाढ़ा गाढ़ा। आधा कप पानी मैंने इसमें यूज किया है। ये ऐसा हमें घोल बनाना है, पकौड़े जैसा बिल्कुल। ये मैगी हमारी देखिए बॉईल हो गई है। अब हम इसे छल्ली में छान लेंगे। छलनी में छान के इसको मैंने थोड़ा ठंडे पानी से धो दिया है। चार आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है। अब हम इसको मैश कर लेंगे। आलू मैश करने के बाद हम इसमें डालेंगे दो हरी मिर्च कटी हुई, जो हमने मैगी बॉईल की थी इसको हम डाल देंगे। नमक हमने बेसन में भी डाला है तो हम देख के डालेंगे। रेड चिल्ली पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और एक हम मैगी का मसाला मैजिक इसमें डालेंगे। आप चाहें तो इसमें मैगी मसाला भी यूज कर सकते हैं। और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इस मटेरियल के हम बॉल बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। क्योंकि ये मैगी बड़ा पाव है तो बच्चों को ये फ्लेवर बहुत ही पसंद आता है। इस तरह हम सारे बॉल बना लेंगे। अब हम गैस पे एक कढ़ाई रखेंगे और उसमें वेजिटेबल ऑयल डाल के गरम करेंगे।
आप चाहें तो इसमें प्याज काट के भी डाल सकते हैं। मैंने नहीं डाला है, मैंने बिना प्याज का बनाया है। हरा धनिया भी काट के डाल सकते हैं। ये जो हमने मैगी और आलू के रोल बनाए हैं, इसको हम इस बेसन में डिप करेंगे ऐसे, और गरम तेल में फ्राई होने के लिए डाल देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसको फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। इसके लिए मैंने आटा पाव लिया है, ये नुकसान भी नहीं करेगा। देखिए ये बड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे प्लेट में एक टिश्यू लगा के, ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकल जाए इस तरह से। ये देखिए ये कितने अच्छे बनके तैयार हुए हैं। अब हम दूसरे डाल देंगे। देखिए हमने ये और भी डाल दिए हैं। अब हम इनकी करेंगे गार्निश। अभी हमने पाव लिया है, पाव के ऊपर हम लगाएंगे सॉस। और उसके अंदर एक हम रखेंगे बड़ा, ऊपर से हम थोड़ा सा डालेंगे मसाला मैजिक। ये हमारा मैगी बड़ा पाव बनके तैयार है। हम दूसरा भी ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए मैगी वड़ा पाव बनके तैयार है। अब हम इसे सर्व करने जा रहे हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।